अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक वाले सर हमारे पीछे बैठे हैं और हमें कोई रोक नहीं पा रहा है। बाइक की सर्विस तो अभी डन हो गई, ये रही बिल। ये देखो जी, पेट्रोल भी खुद डालना पड़ रहा है। मोटो व्लॉगिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इस टनल में आप आओगे तो ऐसा लगता है कि आप एसी वाले रूम में आ गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हर हफीज़। तो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बानीहाल टोल प्लाज़ा से। देख सकते हैं आप, यहां से बानीहाल टोल प्लाज़ा सिर्फ 1 किलोमीटर आ गया है। तो आज मुझे जाना है बाइक की सर्विस करने के लिए। ये रही हमारी बाइक। तो बाइक की सर्विस करने के लिए जाना है अनंतनाग, और अनंतनाग से होते हुए फिर जाएंगे हम श्रीनगर सर। यहाँ से निकल चुके हैं अभी हम। तो यहाँ से देखो, अभी 4 लाइन का जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है। ये देखो आप, यहाँ से रिपेयरिंग हो रही है 4 लाइन की। ये देख सकते हो आप, ये है बानीहाल का टोल प्लाज़ा। यहाँ पे हमारे आर्मी सर खड़े हैं, ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं। यहाँ से देखो ना गाइस, ये बानीहाल का ये फ्लाईओवर जो है ना, इस पर काफ़ी सारे बम्प आते हैं। ये देख सकते हो आप, इस फ्लाईओवर पे कभी लीन वगैरह करने की, अगर कोई बाइकर देख रहा है तो यहाँ इस फ्लाईओवर पे लीन वगैरह करने की ज़्यादा मत सोचना कभी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्प है। ये देखो आप, उस गांव से अगर इस फ्लाईओवर को देखोगे ना आप, तो क्या ही खूबसूरत लगता है वहाँ से देखने में। अभी आगे थोड़ी ही देर में टनल आने वाला है, नवयोगा टनल, जो कि बानीहाल टू काजीगुंड को कनेक्ट करता है। ये है बानीहाल का नवयोगा टनल, जो कि बानीहाल को काजीगुंड से कनेक्ट करता है। यहाँ से होता है भाई अपना टनल शुरू। वाओ, इस टनल में इस टाइम तो काफ़ी ठंडी है, बट अगर दोपहर के टाइम आप आओगे, अभी तो 10:30 हो रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, अगर 1-2 बजे के करीब आओगे ना, तो 1-2 बजे बाहर ज़्यादा गर्मी रहती है। फिर इस टनल में आप आओगे तो ऐसा लगता है कि आप एसी वाले रूम में आ गए। बट कभी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है ना, तो जिस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस टनल में, उस टाइम तो भाई यहाँ दम घुटने लग जाता है, सच में कसम से। अभी इस टनल से हम यहाँ एग्ज़िट करने वाले हैं। अभी देखते हैं इधर का मौसम कैसा है आज। काफ़ी धूप है भाई, और टनल में इतना ज़्यादा शोर था ना, क्या ही मैं बताऊँ आपको यार। यात्रियों का सीज़न शुरू हो चुका है, मुझे नहीं पता कब से शुरू हुआ है, लेकिन शुरू हो चुका है। तो रोडों पे काफ़ी ज़्यादा जाम रहने वाला है। यहाँ से देखो, काजीगुंड 2 किलोमीटर, पहलगाम 66, श्रीनगर 72, और ले 495 हमने जाना है श्रीनगर। लेकिन उससे पहले हमने जाना है अनंतनाग गाड़ी की सर्विस करने के लिए। भाई यहाँ से 4 लाइन का काम अभी चल ही रहा है, बीच में से ये पुल बन रहा है, ये फ्लाईओवर कंप्लीट होगा तो उसके बाद इसके ऊपर से गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। फिलहाल तो यहीं से जाना पड़ता है दोनों साइड की गाड़ियों को। भाई मैं तो एंजॉय करते करते चल रहा हूँ, मुझे क्या, कोई जल्दी नहीं है मुझे कहीं जाने की, इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ। भाई साहब, इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो मैं पहली मर्तबा आज इधर देख रहा हूँ। चलो थोड़ा सा ओवरटेक मार लेते हैं गाइस। देखो कहाँ से चलना पड़ रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। यहाँ से रोड पूरा ख़राब था यार, अभी अच्छा किया है इन्होंने, यहाँ पे इसको रिपेयर कर रहे हैं। बाइक में थोड़ा पेट्रोल कम है, तो पहले पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये देखो जी, पेट्रोल भी खुद डालना पड़ रहा है। चलो जी, पेट्रोल तो फिल हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। मैंने 500 का डलवाया तो बराबर इसमें 500 का आ गया, बाकी इसमें पहले से था, तो अभी टैंकी जो है फुल हो गई। ये देखो, ये FCI गोडाउन है यहाँ पर, और यहाँ से राइट टर्न मार के चलते हैं अनंतनाग के लिए। यह है अनंतनाग किले, यहाँ से आगे जाओगे तो श्रीनगर, यहाँ से टर्न करोगे तो अनंतनाग। ट्रैफिक देख रहे हो गाइस? गाइस अगर पहलगाम जाना होगा तो इसी रोड से पहलगाम भी जाते हैं। यह है जी वुमेन्स कॉलेज। यहाँ से चेक करो गाइस, अभी इसका इंजन ऑयल निकाला जा रहा है, अभी देखते हैं क्या क्या डलेगा इसमें, सारा कुछ आपको बताऊंगा मैं। तो जी, बाइक की सर्विस तो कंप्लीट हो गई, अभी ये वाला फिल्टर चेंज हो गया,
एयर फिल्टर और ब्रेक वगैरह था थोड़ा बहुत, वो भी सेट करवा दिया। तो अभी धोने के लिए गई है, वॉश के लिए। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है जी, अभी इसको वॉश करेंगे यहाँ से, तो उसके बाद हम निकल जाएंगे। सर्विस तो इसकी डन हो गई, अभी वॉशिंग के लिए यहाँ पे बाइक खड़ी है आसिफ एंटरप्राइजेस नाम से, आप देख सकते हो नंबर भी आ रहा है। बाइक की सर्विस तो अभी डन हो गई, ये रही बिल। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम श्रीनगर की तरफ। तो ये है शोरूम के रूम साहब, तो इनके शोरूम का नाम है आसिफ एंटरप्राइजेस, आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी सारी बाइक आपको टीवीएस वालों की यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस, खन्नाबल से हमने इस वाले रूट को चूज़ किया श्रीनगर जाने के लिए। ये सड़क मिलती है अवंतीपुरा NH 44, जो अवंतीपुरा से जाता है वहाँ पे हम NH 44 पे टच करने वाले हैं। यहाँ पे देखो गाइस क्या देखने को मिल रहा है हमको, ये देखो पूरे चिनार के पेड़ है यहाँ पे। अभी यहाँ से टोल प्लाजा आने वाला है, अवंतीपुरा का टोल प्लाजा जिसको बोला जाता है। कोई टोल वगैरह लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम है भाई टू व्हीलर वाले, और टू व्हीलर वाले को कोई टोल नहीं लगता कभी। गाड़ियाँ अभी लगी है टोल कटाने में, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखो वो श्रीनगर की पहाड़ियाँ दिखती हैं ना, काफ़ी मस्त लगती है देखने में। श्रीनगर 32 किलोमीटर, श्रीनगर 32 किलोमीटर अभी हमने चलना है। यहाँ से देखो अभी कान में आ रही होगी आर्मी वालों की, तो इसलिए यहाँ पे रुकाया है सबको। ट्रैफिक वाले सर हमारे पीछे बैठे हैं और हमें कोई रोक नहीं पा रहा है, चाहे पुलिस हो कुछ भी हो, हमें कोई नहीं रोक रहा। अभी पीछे जाम बहुत था, वो तो वो सर हमारे पीछे बैठे थे, तो इनकी वजह से जाम के बीच में से हम गाड़ियों को चीरते हुए निकल गए। ये आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मिरर में, मेरे पीछे ट्रैफिक वाले सर, ये देख सकते हो आप, ये सड़क है यहाँ से पुलवामा के लिए जाते हैं डायरेक्ट। वो बाय द वे अभी हमने पुलवामा नहीं जाना है, हम श्रीनगर की तरफ चल रहे हैं। अभी अभी थोड़ी सी बगा रहा हूँ सर के लिए, क्योंकि उनको जल्दी ड्यूटी पे पहुँचना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर जन्नत परोए सभी असलो हमी असलो हमी असलो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी पर कही जन्नत है वो यही है, यही है और यही है। बाकी आपको आज हमारी राइड कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक कथा शू गसुन सर यूर है कि यूर मे यप नेरुन हस। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पे हमने सर को बाय बाय बोल दिया, तो उनकी वजह से भाई आज ना बहुत हेल्प की सर ने, क्योंकि वो ट्रैफिक वाले सर थे, तो उन्होंने जाम वगैरह था तो हम जाम के बीच में से निकल आए। बाय द वे अभी हम पहुंच चुके हैं बाईपास डल गेट से होते हुए। यार डल गेट में बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहता है, तो क्या करें। यहाँ से भी देखो कैसा मस्त रोड बनाया गया है, यहाँ से पहले ऐसा नहीं था, बहुत ख़राब रोड था। तो आगे आप चेक कर पा रहे हो पहाड़ियाँ इतनी मस्त लग रही है, ये पहाड़ तोड़ तोड़ के यहाँ से पत्थर निकाले गए हैं, तो अभी नहीं निकाल रहे, वहाँ पे बैन है शायद, मैंने सुना था, कन्फर्म नहीं पता। यहाँ से शुरू होता है आर्मी का एरिया, यह है बादाम बाग का आर्मी कैंप, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा है। ये देख सकते हो आप टैंक, ये देखो गाइस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, अभी स्कूल से आ रहे होंगे वापस, इनको छुट्टी हो गई होगी। यहाँ पे था हॉस्पिटल गाइस, वो बच्चों का, बट अभी इसको शिफ्ट किया गया है बिमना के साइड में। बस यहाँ की मैं बात कर रहा था गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, हर टाइम पे रहता है। किसी भी टाइम आप यहाँ पे आओ तो ट्रैफिक जाम आपको देखने को बहुत सारा मिलेगा। दिन में सुबह आओ, दोपहर को आओ, शाम को आओ, रात को आओ, कभी भी आओ। ये देखो देवारों पे पेंटिंग, किसी भी टाइम आप यहाँ पे आओ तो ट्रैफिक जाम तो मिलेगा आपको। इसी के साथ इसको ओवरटेक मारते हुए हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं, और यहाँ से फिर लेफ़्ट टर्न मारते हैं हम, ताकि हम डल गेट पहुँच पाए। अगर शंकराचार्य पैदल आपने जाना होगा तो यहाँ से ये रास्ता जो है, यहाँ से सनवारा के लिए रास्ता ये शंकराचार्य के लिए जाता है। हम गए थे पहले, आपने देखा होगा वीडियो में, यहीं से गए थे। ये देख लो आप, ये पहुँच गए हम जी डल गेट बराबर। अब देखो कहाँ पे फंस गए हम, ये डल गेट है जी, ऊपर पहाड़ी देखो आप, थोड़ी सी जगह मिल जाए ना हमें आगे निकलने के लिए, फिर तो हम नहीं मानने वाले।
आगे बाइक वाला है, नहीं तो मैं निकाल देता आगे, ये निकल ही नहीं रहा है। चलो क्या ही कर सकते हैं, पसीने छूट गए गाइस। इधर बहुत ज़्यादा गर्म है, अनंतनाग से बानिहाल से ज़्यादा अनंतनाग में था और अनंतनाग से ज़्यादा अभी यहाँ पे है डल लेक में। यह है डल गेट गाइस, इधर से आप जा सकते हो निशा शालीमार। अब देखो ये लड़की आई है आगे यार, अब मैं यहाँ से इसको कैसे ओवरटेक मारूँ। कोई मसला नहीं गाइस, हम तो ऐसे बम्प वम्प खा के निकल ही जाएंगे। लड़की के पीछे चलना थोड़ा रिस्की है क्योंकि उसका वो अचानक ब्रेक मार देती है कहीं भी। अगर हज़रत बल दरगाह जाना होगा फिर तो आपने यहाँ से जाना है, याद रखना। ये है शिराज चौक, दस्तगीर साहब की ज़्यारत बोला जाता है इसको। ये आप चेक मारो, अभी हम पहुँच चुके हैं नवाहटा चौक में। आप देख सकते हो ये है यहाँ पे मार्केट, इस साइड भी, इस साइड भी, और बीच में देखो गाड़ियाँ पार्क की गई है। यहाँ से देखो ये है नवाहटा चौक, आगे देखो जामा मस्जिद दिख रही होगी। यह है जी श्रीनगर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जामा मस्जिद, लगभग 600 साल पुरानी जामा मस्जिद है, तारीखी जामा मस्जिद। देख सकते हो आप यहाँ से, इसका एक गेट है, एक उधर से है, दो एक उधर से है, तीन एक उधर से भी है। बाहर के चार गेट है, फिर अंदर मस्जिद में जाओगे तो अंदर तीन गेट मिलेंगे आपको। देख रहे हो ट्रैफिक, यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज जो कि मशहूर है यहाँ का, यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज। ओहो थोड़ी सी छांव आई यहाँ पे धूप से हटके, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आगे खाली रहेगा तो हम कुछ भी कर सकता है ब्रो। यह है जी मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा का हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, आई थिंक दूसरे नंबर पे आता है शायद। तो यह है हॉस्पिटल के सामने का कुछ नज़ारा, देख सकते हो आप।